हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के आज हम आपको दो मेथड और कराने जा रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले वैल्यू एडिट मेथड हमने आपको करा दिया था, इसके बाद आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। देखिए, इनकम मेथड जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको जो पेमेंट मिलता है फर्म से, उस पेमेंट को ऐड कर लिया जाता है। यानी कि पेमेंट तो वो फर्म के दृष्टिकोण से है, लेकिन फैक्टर्स के लिए वो इनकम है, तो इसलिए इसको इनकम मेथड बोला जाता है। तो जो फैक्टर्स को मिला फर्म से उसको आप जोड़ दें तो क्या क्या मिलता है। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज को जो पेमेंट किया गया है, वेजेस वगैरह, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि प्रॉफिट का पार्ट जो बांटा गया है डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह के रूप में, और जो प्रॉपर्टी को दिया गया रेंट, इंटरेस्ट वगैरह के रूप में, वो सब आएगा इसमें भी, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे दोनों की। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, यानी कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी आजीविका खुद कमाते हैं, अपना रोजगार, किसी की नौकरी नहीं करते, तो उन सब का पेमेंट आप जोड़ दें तो ये एनडीपी एट एफसी निकलेगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एनडीपी एट एफसी। उसमें अगर आप एनडीपी एट एफसी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता है एनडीपी एट एफसी। तो ये एनडीपी एट एफसी जो है, इसमें नेट और फैक्टर तो यही, केवल नेशनल पे लाना है आपको डोमेस्टिक से, तो आप इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो ये आपका इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब देखिए, इनको, इनके एक्सप्लेनेशन क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपको इसी नाम से दिया तो आप इसी को जोड़ देना, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके कंपोनेंट दिया तो क्या क्या हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी मतलब जो उनको मजदूरी या वेतन दिया गया एम्प्लॉयज को, वेदर पेड इन कैश और इन काइंड, उसको आपने जोड़ देना है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए 20,000 का कोई फर्नीचर है और अपने एम्प्लॉय को फर्म ने 15,000 में दे दिया, तो ये 5,000 जो कंसेशन दिया है उसको भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चाहे कैश में दिया हो, चाहे काइंड में दिया हो, चाहे कंसेशन हो, आप उसको इसमें ऐड कर लें। रिटायरमेंट पेंशन, जो एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन, ध्यान ये रखना है कि ओल्ड एज पेंशन इसमें नहीं आती, रिटायरमेंट पेंशन आती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, देखिए जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद उसको कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, जिसमें प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेच्युटी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो उनके लिए उन स्कीम्स में जो इम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसको लेता है। ध्यान रखना, इसमें कई बार इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी देता है, तो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि वो तो वेजेस एंड सैलरी का पार्ट ही होगा, तो केवल इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और एनी अदर पेमेंट का मतलब है कि इसके अलावा कोई और पेमेंट किया इम्प्लॉयर ने इम्प्लॉय को इन कंसिडरेशन ऑफ वर्क, तो उसको भी आप इसमें शामिल करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस दो चीज़ों का टोटल होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी आएगी। रेंट आप देंगे लैंड को, ये लैंड को दिया जाता है, ये दिया जाता है कैपिटल को इंटरेस्ट, तो लैंड को आप रेंट देंगे, कैपिटल को आप इंटरेस्ट देंगे। रॉयल्टी होता है कि हमारे पास कोई एसेट हमने किसी को यूज़ करने के लिए दे दी और उससे कहते हैं जो बेनिफिट ड्राइव करोगे इससे, उस बेनिफिट में मेरा इतना शेयर होगा, वो रॉयल्टी। आउटराइट सेल ऑफ राइट इज नॉट रॉयल्टी, और अगर आपने फिक्स पेमेंट कर दिया तो वो भी रॉयल्टी नहीं। आपने क्या कहा कि जो तुम कमाओगे उसमें से मेरा इतना हिस्सा, तो रॉयल्टी है। खैर, आपको इतना डीप में नहीं जाना है इसमें, खाली रॉयल्टी के नाम से आपको दिया होगा तो जोड़ देना, नहीं दिया होगा तो रहने देना। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मेन पार्ट है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया तो इनकी कोई जरूरत नहीं तीनों की। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो देखना फिर आपको डिविडेंड दिया हुआ होगा। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज को टैक्स पे करना होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग, इस प्रॉफिट का जो पार्ट आपने बचा लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सेव कर दिया, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग। इन तीनों को जोड़ोगे तो इनकम आएगा। तो ये सब जोड़ करके आपका इनकम मेथड बन जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से करा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देख लीजिए। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एनडीपी एट एफसी क्रिएट करना होगा। उसके लिए पहला जो पार्ट है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए कि ये अगर आपको इसी रूप में दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर आपको इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर आप यहीं पर कर लें या फिर चाहे तो आप बाहर भी कर सकते हैं उसको, तो हम यहीं पर कर देंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको इसमें एक कंपोनेंट तो इसका आ गया वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है 28,000 रुपीज। फिर देखिए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ नहीं है, रॉयल्टी, कॉर्पोरेशन टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। देखो, ध्यान देना है, इंप्लॉय ना हो, इंप्लॉयर्स है
तो 3,500 रुपये जोड़ दें। और देख लें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं आएगा, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन है 1500 और इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। तो ये तीन चीज़ें इसमें आपने जोड़ दी, अभी जोड़ लेंगे इनको। उसके बाद आप लिखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस भी अगर इसी नाम से दिया तो ठीक है, नहीं तो इसके भी आपको कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे, ये भी नहीं दिया इस नाम से। तो देखिए रेंट इंटरेस्ट ये लिख दें पहले आप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं रेंट इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें कितनी कितनी है देख लीजिए आप। रेंट है 1780 और इंटरेस्ट है 1220। इसके बाद इसमें रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी अगर इसमें दी है तो रॉयल्टी भी दी हुई है देखिए, तो रॉयल्टी आप लिख दें, रॉयल्टी दी हुई है 1000 रुपीज़। तो इनका टोटल कर देखिए, टोटल करने से पहले इसमें भी आपको प्रॉफिट के पार्ट भी देखने पड़ेंगे क्या है। देखिए ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है तो उसमें आपको प्रॉफिट ही दे रखा है, तो ये आप लिख दें प्रॉफिट 3200। अब इसमें देखिए कि प्रॉफिट के अलावा अगर कॉरपोरेशन टैक्स है जैसे, और अगर इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तो उनको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं, तो ये हमने जोड़ दिया। इसके बाद आपको इसमें लेना होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस वो लोग होते हैं जो अपनी आजीविका खुद कमाते हैं, अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न करते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते, तो ये हो गया 2700। अब इनका टोटल कर लेते हैं 28,000, 3,500, 1,500, ये आया 33,000, 1,780, 1,220, 1,000, 3,200, ये आ गया 7,200। तो इन तीनों का टोटल जो है हमारे पास 72,000, 27,000 और 33,000, 42,900। अब हमको निकालना है नेशनल इनकम, तो कैसे निकलेगा देखिए, नेशनल इनकम यानी कि NNP@FC, तो आपके पास NDP@FC आ गया है, आपको प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें प्लस कर देना है। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ निकाल देते हैं पहले, यह है आपका 42,900, इसमें आप प्लस या माइनस कर दें, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है इसमें तो ये माइनस करना पड़ेगा 1270, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें से आप 1270 माइनस कर दें, 42,900 माइनस 1270 41,630, तो ये आप निकाल सकते हैं इसको इनकम मेथड से इस तरह। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट है GDP@MP, यानी कि इसमें जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तो पहले GDP@MP निकलेगा आपका ज़्यादातर टाइम, लेकिन कभी कभी ये नेट भी निकल आता है, डिपेंड करता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस दिया तो GDP निकलेगा, नेट दिया तो NDP निकलेगा। देखिए पाँच चीज़ें इसमें जोड़नी होती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट पीपल्स ने, जो इंडिविजुअल्स ने, हाउस होल्ड ने, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो खर्चा किया कंजप्शन पर, वो इसमें जोड़ देते हैं। इसमें देखा जाएगा कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उनके ऊपर क्या खर्चा किया गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, जैसे डिफेंस स्टाफ के लिए करना है इस तरह का। उसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ये कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा ध्यान रखना आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये अगर आपको देखिए होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये एक्चुअली ये होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, ये दो चीजें होती हैं। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो ये दोनों इसमें इंक्लूड है, आपको इनको लेने की अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ है, ज्यादातर ऐसे ही होता है, जैसे मैंने ये वाला लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, तो ये तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होगा ना तो उसको चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखा जाता है। तो अगर आपको फिक्स्ड वर्ड नहीं लगा, खाली क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसे छोड़ देना, बहुत जरूरी है बच्चों ध्यान रखना इसको, कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, उसका पार्ट होता है, और अगर फिक्स्ड लगा हुआ है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादातर ऐसे होता है, इसलिए वाला लिया चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की चेंजेस होती हैं, देखिए चेंजेस इन इन्वेंट्री ये होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री।
तो ये चार चीजें हो गई। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है कि जो हमने एक्सपोर्ट किया, नेट एक्सपोर्ट, ये डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जितना ज्यादा उसे आप ऐड कर दें, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो माइनस कर देना उसको, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट, तो ये चीजें आप प्लस माइनस प्लस कर देंगे सब, तो आपका जीडीपी एट एमपी निकलेगा। जीडीपी एट एमपी को अगर आप एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे तो नेशनल इनकम आएगी। तो करना क्या पड़ेगा, पहले ग्रॉस को हमने नेट किया, ये ग्रॉस है नेट चाहिए तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आपको फैक्टर है चाहिए और मार्केट पर है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दें, और डोमेस्टिक से नेशनल पर लाने के लिए आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें। तो ये आपका एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम निकल आएगी एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक तो इसमें मेन चीज हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपको इन्वेंट्री वाला नहीं लेना है, और फिक्स्ड दिया हुआ तो दोनों लेने हैं। और अगर ये ग्रॉस है तो ये जीडीपी निकलेगा, अगर इसको नेट कर दिया तो ये एनडीपी एट एमपी निकल करके आएगा। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसमें भी हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से करा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से। आपको दिया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो दोनों तो आप पहले ऐड ही करते हैं। और अब देखिए जीडीपी निकालना है एनडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो जीडीपी निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम जीडीपी एट एमपी। पहले यही डिसाइड करना होगा आपको कि जीडीपी निकलेगा या एनडीपी निकलेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट लेवल देख लेना। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमको दिया है उसको हम ऐड कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 12,000 रुपीज। फिर दिया हुआ हमको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दिया हुआ है 18,500 रुपीज। इसके बाद हम लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट को, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये लिख दें आप 7,800। अब देखिए ग्रॉस है तो जीडीपी तो हो गया हो, लेकिन ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो इसका मतलब आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंजेस इन स्टॉक दे रखा है आपको, तो चेंजेस इन स्टॉक का प्लस कर दें 2,200। इसके बाद एक चीज बचती है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट आप ले लें, नेट एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है 2,300। तो ये पांच चीजें आप जोड़ेंगे तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 12,000, 18,500 प्लस 7,800, 2,200, 2,300, 42,800 है जीडीपी एट एमपी आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे जीडीपी एट एमपी 42,800। सबसे पहले आप लेस करें डेप्रिसिएशन। अब देखें डेप्रिसिएशन कितनी है, सो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नाम से भी दिया रहता है, तो वही दिया हुआ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1,100 रुपीज, ये लेस करते हैं 00714 41,700। अब हो गया एन डी पी एट एम पी। फिर आप लेस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट, देखिए ग्रॉस से नेट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन घटानी पड़ी, और मार्केट से फैक्टर करने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप देखिए क्या दिया हुआ आपको, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 1,200 और इकोनॉमिक सब्सिडी दी आपको 200, तो 1,000 रुपीज आप लेस कर दें, तो 40,700। अब यह आ गया आपका एन डी पी एट एफ सी। अब इसमें आपने करना है एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहां लिखें आप नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यह आपको दिया 1,000 रुपीज, ये हो गया 41,700। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों मेथड आपको करा दिया, इससे पहले आपको वैल्यू एडिट करा दिया था, तो इनको अच्छी तरह से समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट के, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।